सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। न्यू इनकम टैक्स पोर्टल और इस पे आ रही है एक बहुत छोटी सी बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेरी कि जो पुरानी आईटीआर हमने फाइल की हुई थी क्या वो सभी हमें दिखाई दे रही है इनकम टैक्स पोर्टल पे? अगर दिखाई दे रही है तो कहाँ से देखें? अगर आ रहा है ये ऑप्शन तो क्या उसमें पिछले साल का या पिछले कुछ सालों का आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन एक्टिव हुई है या नहीं? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं इस वीडियो में। साथ ही एक और छोटी सी क्वेरी होती आती है कि अगर हमने इस साल की आईटीआर फाइल कर दी है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो कहाँ पर दिखाई देगी, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे कि आईटीआर 1 और 4 खुद फाइल करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस यहाँ आई बटन पे लिंक है और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। अभी आईटीआर को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो गवर्नमेंट ने कर रखी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 30 सितंबर 2021। तो आपके पास एनफ टाइम है, जब तक आपका 26 ईयर्स कंप्लीट ना हो आईटीआर को फाइल मत करना। और अगर हम बात करें आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 की तो उसके लिए बहुत ही वाइड नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होती है जो हमारे इनकम टैक्स कोर्स में कवर की गई है। आईटीआर 1 एंड 4 तो फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज से भरी जा सकती हैं, बट आईटीआर 2 एंड 3 के लिए आपको प्रॉपर डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल की है या परचेज की है, तो इस तरह की जो इनकम्स हैं उनके लिए आईटीआर 2 एंड 3 आपको फाइल करने होते हैं, 2 या 3। एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, तो ये सभी कंसेप्ट हमारे इनकम टैक्स के डिटेल कोर्स में कवर किए गए हैं विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अपडेटेड कोर्स है ये हमारा, आप इसमें ज्वाइन करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा भी हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए अब हम करते हैं लॉगिन, एक बार देखते हैं पुरानी आईटीआरस हमें कहां से मिलेंगी। लॉगिन करने के लिए अपना पैन नंबर डालिए, और बहुत से पर्सन से भी क्वेरी करते हैं कि पुराने पासवर्ड ही एक्टिव है या नया यहां पर लॉगिन बनाना। पुराने पासवर्ड ही यहां एक्टिव है, नया लॉगिन बनाने की कोई नीड नहीं है। यहाँ मैंने अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको आना है ई फाइल में। ई फाइल में आपको दो ऑप्शंस दिखती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स और नीचे दिखते हैं इनकम टैक्स फॉर्म्स। इनकम टैक्स फॉर्म्स में भी फिर फर्दर दो ऑप्शन होती है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड व्यू फील्ड फॉर्म्स। कुछ पर्सन को लगता है कि आईटीआर जो प्रीवियस ईयर्स की है ना वो हमें यहाँ पर मिलेंगी व्यू फील्ड फॉर्म्स में, वो यहाँ पे देखने लग जाते हैं। इस ऑप्शन पे नहीं मिलेगी, आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले टैब में आना है, आगे मूव करना है, देन पहले ऑप्शन आती है आईटीआर को फाइल करने की। सेकंड ऑप्शन में आती है आपके पास ऑप्शन व्यू फील्ड रिटर्न्स, इस पे क्लिक करना है प्रीवियस आईटीआर को देखने के लिए। तो यहाँ क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आ गई आपने जो भी आईटीआर फाइल की है असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दिख रही है। देखिए मेरे पास आ गई है जितनी भी यहाँ मैंने फाइल की हुई है आईटीआर। मैं फर्दर आगे भी मूव कर सकती हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट आईटीआर भी मुझे मिल जाएगी। और अब आपके लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म की भी ऑप्शन एक्टिव कर दी गई है, और फॉर्म डाउनलोड हो भी रहा है और पीडीएफ में भी ओपन हो रहा है। ये जो डाउनलोड रिसीट है यहाँ से आपको आपकी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, और एक्सएमएल भी यहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सब दिया होता है कि आपकी आईटीआर की क्या प्रोसेसिंग रही, ठीक है। तो यहाँ आपकी आईटीआर अवेलेबल करा दी गई है, ये बात है प्रीवियस आईटीआर की। अब बात करते हैं आपकी ऐसी आईटीआर जो आपने अभी फाइल की है, यानी इस ईयर की, जब से नया पोर्टल आया अब उसके बाद आपने अगर आईटीआर फाइल की है तो वो कहाँ दिखेगी? एक तो डैशबोर्ड में मिल जाएगी, डैशबोर्ड पे आप आएंगे यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइल हो चुकी है आईटीआर, और फिर उसका स्टेटस आ रहा है कि कब फिल हुई, रिटर्न वेरीफाई कब हुई, ठीक है। टिक मार्क आ रहा है जहाँ भी जो भी प्रोसेसिंग हो गई, फाइल रिवाइज रिटर्न की भी यहाँ ऑप्शन आ रही है। और साथ ही असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर को फाइल करने के बाद पहले ऑप्शन व्यू फील्ड फॉर्म में नहीं आ रही थी, अब वहां पर भी आ गई है आईटीआर फाइल होने के बाद। हो सकता है एकदम से वहां पे दिखाई ना दे आपको, बट नेक्स्ट डे आप चेक करिएगा तो वहां भी ऑप्शन आ जाएगी, वहां पे वही फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब कोई भी इशू नहीं है, आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपका 26 AS कंप्लीट है। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही है www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आईटीआर 1, 2, 3 और 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है,
इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studyworry.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studyworry.com एंड गेट बेनिफिटेड बाय आवर कोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।